नमस्कार दोस्तों, हाल ही में यूएसए के एक गवर्नमेंट पैनल यूएससीआईआरएफ, जिसका फुलफॉर्म यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें मोदी गवर्नमेंट के अंडर रिलीजियस फ्रीडम को लेकर इंडिया को लगातार चौथी बार टारगेट किया गया है। यूएससीआईआरएफ की इस रिपोर्ट में लिखा है कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज पर अत्याचार किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन भी हो रहा है और साथ ही उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है और उनके लिए आवाज उठाने वाले मिनिस्टर की आवाज को भी मोदी गवर्नमेंट दबाने का कार्य कर रही है। इन्हीं सभी कारणों का हवाला देते हुए यूएससीआईआरएफ ने बाइडेन प्रशासन से निवेदन किया है कि इंडिया को विशेष चिंता वाले देशों की श्रेणी में डाला जाए। अब इसे हिपोक्रेसी नहीं बल्कि अल्ट्रा प्रो मैक्स हिपोक्रेसी कहेंगे, क्योंकि यूएसए वही देश है जहां पर नस्लीय भेदभाव सबसे अधिक होता है। ये वही देश है जो ब्लैक अमेरिकन से सबसे ज्यादा नफरत करता है और हाल ही का मामला आपको पता ही होगा कि सूडान में आज के समय लगभग 14,000 अमेरिकन फंसे हुए हैं, जिनमें से 90% ब्लैक अमेरिकन हैं और इसीलिए यूएस गवर्नमेंट इन्हें बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है, जस्ट बिकॉज ये काले अमेरिकन हैं। अब मैं यूएसए के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत जैसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री पर उंगली उठाने से पहले इन्हें अपनी ग्रेवान के अंदर झांक कर देख लेना चाहिए। इस मैटर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। जय हिंद।